हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें, ताकि आप देख पाएं हमारे सारे वीडियो सबसे पहले। आजकल लोग जलन में, दुश्मनी में एक दूसरे के खिलाफ झूठा केस फाइल कर देते हैं, तो ऐसे में सरकारी नौकरी करने वालों को या फिर सरकारी नौकरी के किसी कंपटीशन की तैयारी करने वालों को काफी कंफ्यूजन रहता है कि सरकारी नौकरी पर किसी भी केस का क्या असर पड़ता है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दो तरह के केस होते हैं, एक सिविल केस होता है और एक क्रिमिनल केस होता है। सिविल केस में फैमिली से रिलेटेड मैटर्स आते हैं, जैसे कि डाइवोर्स, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी या फिर प्रॉपर्टी का बंटवारा वगैरह। क्रिमिनल केस में चोरी, मारपीट, मर्डर और रेप वगैरह आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या इफेक्ट होता है। क्रिमिनल केस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर होता है। पहला है अरेस्ट होने पर। अगर कोई आपके खिलाफ FIR फाइल कर देता है, तो सिर्फ FIR फाइल होने से आपकी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे से ज्यादा आपको पुलिस कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, तो आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देगा। सस्पेंड करने में और टर्मिनेट करने में एक बड़ा फर्क है। सस्पेंशन में आपको नौकरी से टेम्पररी तौर पर अलग किया जाता है, जबकि टर्मिनेशन में आपको हमेशा के लिए नौकरी से निकाल दिया जाता है। दूसरा है केस चलने पर। अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, लेकिन आपको अरेस्ट नहीं किया गया है, या अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आपको 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में नहीं रखा गया है, तब आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड नहीं करेगा, लेकिन आपका डिपार्टमेंट केस की फाइल को मंगवाएगा और जजमेंट का इंतजार करेगा। तीसरा है सजा होने पर। अगर आपको कोई भी कोर्ट किसी भी क्रिमिनल केस में 24 घंटे से ज्यादा की सजा सुना देता है और आप जमानत लेकर अपील के लिए टाइम ले लेते हैं और जेल नहीं जाते हैं, तब भी आपका डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर देगा, क्योंकि आपको 24 घंटे से ज्यादा की सजा सुनाई गई है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन में अपील में नहीं जाते हैं, तब आपका डिपार्टमेंट आपको परमानेंटली टर्मिनेट कर देगा। फोर्थ है फाइन होने पर। अगर कोई भी कोर्ट आप पर 100 रुपए या उससे ज्यादा का क्रिमिनल फाइन लगा देता है, तब आपको आपका डिपार्टमेंट सस्पेंड कर देगा, और अगर आप अपील में नहीं जाएंगे तो आपका डिपार्टमेंट आपको परमानेंटली टर्मिनेट कर देगा। अगर आप पर कोई बिजली चोरी करने पर या पानी चोरी करने पर या MCD की तरफ से कोई फाइन लगाया जाता है, तो उस फाइन का आपकी सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोर्ट आप पर कोई क्रिमिनल फाइन लगाता है, तब उसका आपकी सरकारी नौकरी पर असर पड़ेगा और आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिविल केस का आपकी सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। अगर किसी भी फैमिली मैटर, जैसे कि डाइवोर्स, मेंटेनेंस, बच्चों की कस्टडी या किसी प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर आपके खिलाफ कोई केस फाइल किया जाता है, तो यह सिविल केस होता है। सिविल केस में आपको कभी भी सजा नहीं सुनाई जाती है। अगर आप पर कोई फाइन लगाया भी जाता है, तो उसका आपकी सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सिविल केस में कोर्ट ने आपको कोई ऑर्डर दिया, आपने उस ऑर्डर को नहीं माना और दूसरी पार्टी आपके ऊपर एग्जीक्यूशन डाल दे और कोर्ट आपको जेल में भेज दे, तो आपकी सरकारी नौकरी को सस्पेंड कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और आप पर एक सिविल केस चल रहा है। सिविल केस में कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया कि आप उस जमीन को जल्द ही खाली कर दें, लेकिन आपने कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद उस जमीन को खाली नहीं किया, और सेकंड पार्टी एग्जीक्यूशन के लिए यानी कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उसको पूरा कराने के लिए अगर दोबारा से कोर्ट में जाती है और कोर्ट आपको कोई सजा सुना देता है जिसमें आपको जेल जाना पड़ता है, तब आपकी सरकारी नौकरी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको जो सजा दी जा रही है ये दंड के रूप में दी जा रही है। चलिए अब हम बात करते हैं डाउरी और डोमेस्टिक वायलेशन का आपकी सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। अगर आपकी वाइफ डाउरी यानी दहेज का केस कर दे 498A के अंदर, या फिर डोमेस्टिक वायलेशन का केस कर दे और उसमें अगर आपको सजा हो जाती है, तो आपको सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि दहेज लेना और पत्नी के साथ घरेलू हिंसा करना ये सरकार के खिलाफ एक क्राइम है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप सरकारी नौकरी में हैं और आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो आप अपनी सरकारी नौकरी को कैसे बचा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कि आप अपने डिपार्टमेंट को बताएं ही नहीं कि आप 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में रहे हैं या आपके ऊपर 100 रुपए से ज्यादा का फाइन लगाया गया है। लेकिन ऐसे में कंप्लेन का डर बना रहता है कि कोई भी पर्सन आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे कि आप 24 घंटे से ज्यादा कस्टडी में रहे हैं या आपके ऊपर 100 रुपए से ज्यादा का फाइन लगाया गया है। अगर आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन कर देता है, तो ऐसे में आपको अपनी नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो आप कोशिश करिए कि वो केस ज्यादा से ज्यादा लंबा चले, क्योंकि केस जितना लंबा चलेगा उतना ही आपको ज्यादा टाइम मिलेगा और आप ज्यादा टाइम तक सरकारी नौकरी में बने रहेंगे। थर्ड पॉइंट की अगर आपको सजा हो जाती है, तो आपको हमेशा अपर कोर्ट में अपील करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सजा हो जाती है, तो आपको हाई कोर्ट में अपील करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट से सजा हो जाती है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट में आपका केस फाइल हो जाता है, तो 10 से 15 साल लग जाते हैं सुनवाई शुरू होने के लिए। इतने टाइम में तो आप रिटायर ही हो जाएंगे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि सिविल केस और क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या असर पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा,
और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।